जी देखो बेटा, सेवंथ मॉड्यूल में उसने क्या बताया, सेवंथ मॉड्यूल में उसने एजुकेशन के बारे में बताया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। पिछले जो सिक्स मॉड्यूल में किसके बारे में बात की थी हमने, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में, ठीक है। अब इस मॉड्यूल में आप हम पढ़ेंगे एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी के लिए, ठीक है। कोई भी क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिल सकती है, अगर एजुकेशन अच्छी हो और किसी भी पर्सन की हेल्थ अच्छी हो, ठीक है। गवर्नमेंट कौन सी मेजर ले रही है टू इम्प्रूव एजुकेशन, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट कौन से मेजर ले रही है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, क्या किया है, बजट इंक्रीज किया, ठीक है। बजट इंक्रीज हो गया, लिटरेसी रेट इंक्रीज हो गया। लिटरेसी रेट 1951 में कितना था, 18% था, ठीक है। 2010 और 2011 में लिटरेसी रेट कितना हो गया, 74% हो गया, ठीक है। लिटरेसी क्या, पढ़ा लिखा, लिटरेसी जरूरी क्यों है, लिटरेसी हमारे जो अधिकार हैं, ठीक है, हमारे अधिकार हैं वो जरूरी क्यों है। लिटरेसी इज राइट, लिटरेसी एक राइट है सभी का। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको अपने हक के बारे में पता होगा, ठीक है। आप सारे के सारे अपनी डेमोक्रेसी में सारे के सारे अपने राइट्स के बारे में क्या करोगे, समझोगे, ठीक है। लिटरेसी रेट इंक्रीज बट देयर इन डिफरेंस, लिटरेसी रेट बढ़ा, नो डाउट। लिटरेसी रेट 1951 में कितना था, 18% था, ठीक है। 2010 और 2011 में कितना हो गया, 74% हो गया, ठीक है। लिटरेसी इज, ठीक है, बढ़ा, पर इसमें मेंस और वीमेंस में क्या फर्क पड़ा, मेंस का लिटरेसी रेट ज़्यादा बढ़ा और वुमेंस का लिटरेसी रेट कम बढ़ा, ठीक है। रूरल एरिया में मेंस का लिटरेसी रेट और वुमेंस के लिटरेसी रेट में कितना डिफरेंस था, 16.6%, ठीक है, रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में कितना परसेंट था, 16.1%, ठीक है। लिटरेसी रेट अब कितना डिफरेंस है इसका, लिटरेसी का स्टेट बाय स्टेट भी डिफरेंस है। मान लो पंजाब में कम लिटरेसी है, केरला में ज़्यादा लिटरेसी है, स्टेट टू स्टेट कितना फर्क पड़ा। लिटरेसी रेट केरला में जो है कितना, 94% है, ठीक है। बिहार में कितना है, 62%, इसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। एजुकेशन प्राइमरी सिस्टम, गवर्नमेंट ने क्या किया लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए, जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम था उसको एक्सपेंड किया, उसको बढ़ाया ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कैसे किया, क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, कि क्वालिटी एजुकेशन की इंक्रीज हो और ड्रॉप आउट रेट कम हो। ड्रॉप आउट रेट कम यही चाहता है कि जितने बच्चे स्कूल में लगे, ठीक है, वो कम बाहर आए, कम मतलब स्कूल छोड़े ना, ठीक है। स्कूल छोड़ के वो क्या करें, बाहर ना जाएं। भी कई होता बच्चे स्कूल में लग गए और बीच में स्कूलिंग उन्होंने छोड़ दी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट ने किया क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। सर्व शिक्षा अभियान में गवर्नमेंट ने क्या किया कि एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन क्या सभी को क्या मिले, अधिकार मिले, ठीक है। आगे क्या उसने किया, यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन की सारे के सारे बच्चे एजुकेशन प्राइमरी ले सके, ठीक है। ब्रिज कोर्सेज किए ये बच्चों को, ब्रिज कोर्सेज क्या होते हैं, ब्रिज कोर्सेज का मीनिंग क्या है, बच्चों को कुछ टाइम तक पढ़ाया जाता है, ठीक है। जो बच्चे स्कूल नहीं आते उनकी कुछ क्लासेस लगाई जाती है और उन्हें समझाया जाता है कि आप बेटा स्कूल में आओ और स्कूल में पढ़ो, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की। मिड डे मील में क्या है, बच्चों को डेली आते हैं तो डेली दोपहर के टाइम खाना दिया जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि बच्चों को एक लालच हो कि हम स्कूल जाएंगे तो खाना मिलेगा, ठीक है। उसमें क्या है, आपकी अटेंडेंस रेट रेशो उन्होंने इंक्रीज करने की कोशिश की बच्चों की, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंक्रीज, उन्होंने क्या किया, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंक्रीज करने की कोशिश की कि न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो सके, ठीक है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेट इंक्रीज, ग्रॉस इनरोलमेंट रेट GER उन्होंने इंक्रीज करा। ग्रॉस इनरोलमेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ने के इच्छुक, ठीक है। गवर्नमेंट ने 12th प्लान में क्या किया, क्या अपना 12th प्लान में रखा,
कि 18 टू 23 ईयर एज के जो भी बच्चे हैं उसमें 25.2% इंक्रीज है, ठीक है। 2017 से लेकर 2018 तक 30% जो बच्चे थे भी उन्होंने एक टारगेट रखा कि 2020 और 2021 में कितनी इंक्रीज होनी चाहिए, कोशिश की इंक्रीज करने की 30% इंक्रीज है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंक्रीज की, वोकेशनलाइजेशन प्रैक्टिस विद वर्क सब्जेक्ट, वोकेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वोकेशनलाइजेशन गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड इंप्लीमेंट की, उसका मीनिंग क्या है भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क कराया जाए बच्चों को कि ज़्यादा से ज़्यादा वो समझ सके, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बच्चों को कंप्यूटर के साथ लिंक किया जाए, कंप्यूटर का मीनिंग क्या है, ज़्यादा बच्चे अपडेटेड नॉलेज हासिल कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, डिस्टेंस एजुकेशन कि बच्चा घर बैठा ही पढ़ी जा रहा है, उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो ओनली पेपर करने के लिए जा रहा है, ठीक है। उन्होंने फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन को इकट्ठा करने की कोशिश की। फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है, फॉर्मल एजुकेशन है जैसे स्कूल्स में मिल रही है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, मान लो एक बुजुर्ग आदमी है, मिलिट्री से रिटायर आदमी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो बच्चों को सिखा रहा है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। कोई फार्मर है, ठीक है, बच्चों को खेती सिखा रहा है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। उन्होंने क्या किया, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन को इकट्ठा किया, ठीक है। ये टेबल आपको दिखा रहा हूँ बेटा, वेट, ये बेटा आपको टेबल दिखा रहा हूँ, ये देखो ईयर्स नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने कितने थे किस साल में, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी थी, स्टूडेंट कितने थे, टीचर कितने थे उस यूनिवर्सिटी में, देखो कितना एजुकेशन में इंक्रीज हुआ। क्योंकि किसी भी देश के जो लोग हैं एजुकेटेड होंगे तो उतना ही वो इकोनॉमी में क्या करेंगे, हिस्सा डालेंगे, ठीक है। जैसे यार 1951 में से 51 में कितने नंबर ऑफ कॉलेज थे, 750, ठीक है। यूनिवर्सिटी कितनी थी, 30 थी। स्टूडेंट कितने, 2,63,000, ठीक है। और टीचर्स कितने थे उस यूनिवर्सिटी में, 24,000। अब देखो यही बढ़ते बढ़ते वो लाइन बताइए, आप ये देख सकते हो, ठीक है। 2016 और 17 में कितने नंबर ऑफ कॉलेज हो गए हैं, 42,338, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी कितनी हो गई हैं, 795। स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं, ठीक है, 2,94,74,158। और जो टीचर्स हैं यूनिवर्सिटीज में कितने हो गए हैं, 14,70,190। ये तो है जो रजिस्टर्ड है, ठीक है। इससे रजिस्टर्ड से अलावा भी बहुत टीचर्स हो गए, बहुत स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। इसका मीनिंग इस ग्राफ से देख के, इस टेबल से हमें पता चलता है कि लिटरेसी में बहुत ज़्यादा बढ़ावा आया है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 8th मॉड्यूल में क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, हमने कहा था कोई भी पीपल तभी रिसोर्स बन सकता है अगर उसकी एजुकेशन अच्छी हो और हेल्थ अच्छी हो। पिछले मॉड्यूल में हमने एजुकेशन के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है, एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया, अब हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी हेल्थी आदमी मान लो, अगर तो आप हेल्थी हो तो क्या आप कर सकते हो, आप अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। आप स्टूडेंट ही हो मान लो, आपकी अगर हेल्थ अच्छी है तो आप क्या अच्छा आउटपुट दे सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप पढ़ भी नहीं सकते प्रॉपरली। इसी तरह से कोई भी आदमी जो हेल्थी होगा, ठीक है, जो हेल्थी होगा वो क्या कर सकेगा, ज़्यादा काम कर सकेगा, उसे ही कंपनी रखेगी, उसे जॉब भी ज़्यादा अवेलेबिलिटी मिलेगी, जॉब भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ अगर हेल्थ अच्छी है तो आपको पता चलेगा भी आपका पोटेंशियल काम करने के लिए ये पोटेंशियल क्या है, अच्छा है। अनहेल्थी पीपल वर्क एज ग्रो, जो अनहेल्थी पर्सन मान लो किसी इंस्टीट्यूट में है, कोई अनहेल्थी पर्सन है या हेल्थी पर्सन है, अनहेल्थी पर्सन आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा, जिम्मेवारी बन जाएगा, वो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प नहीं कर सकेगा, ठीक है। जो हेल्थी पर्सन है वो आपका क्या बन जाएगा, असेट बन जाएगा, ठीक है, असेट हो जाएगा, और वो अपनी आपको अपनी क्या ग्रोथ में क्या करेगा, हेल्प करेगा। हेल्थी पर्सन अर्न मोर इनकम,
हेल्थी पर्सन जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इनकम इंक्रीज कर सकता है अपनी, ठीक है। पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन की अगर हेल्थ स्टेशन अच्छा हो, ठीक है, इंक्रीज देन वो क्या क्या वो क्या कंट्री ग्रो करेगी। स्टेप टू इंक्रीज हेल्थ स्टेटस इन इंडिया, कौन से स्टेप लिए गए बेटा, ठीक है, स्टेप्स को कौन से स्टेप लिए गए किसी भी इंडिया में हेल्थ स्टेटस अच्छा करने के लिए। नेशनल पॉलिसी बनाई गई, नेशनल पॉलिसी हेल्थ के लिए बनाई गई, इसके लिए हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी के लिए। हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी का मीनिंग क्या है, मान लो कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल है, वो बहुत दूर है, दूसरे वहाँ लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स खोले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स खोले, ठीक है, मेडिसिन सेंटर खोले, लोकल लोगों को क्या मिल सके, अवेलेबिलिटी मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या किया उसने गवर्नमेंट ने, नेशनल पॉलिसी के अंडर फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस, फैमिली का वेलफेयर हो सके और न्यूट्रिशनल सर्विस अच्छी मिले, विद ए स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेजेशन पॉपुलेशन, ठीक है, डेफिनेशन सुनो, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद ए स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन। अंडर प्रिविलेज मीनिंग क्या है, जो गरीब तबका है या गरीब लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर सकें, अच्छी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करा सकें हेल्थ की, ठीक है। लास्ट फाइव डिकेड से, पाँच डिकेड मेरे हिसाब से एक अकॉर्डिंग मेरे वन डिकेड इक्वल टू 10 years के बराबर होता है। लास्ट फाइव डिकेड से इंडिया में हॉस्पिटल्स का नंबर क्या है, इंक्रीज किया गया। हॉस्पिटल का नंबर इंक्रीज हुआ तो हमारे क्या हेल्थ वर्कर भी इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, हेल्थ वर्कर इंक्रीज हो गए, नर्सिस इंक्रीज होगी, डॉक्टर्स इंक्रीज हो गए, हेल्थ केयर एक्टिविटीज इंक्रीज होगी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करना पड़ा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्रीज किया हमने, ठीक, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में दोनों में इंक्रीज हुआ। एक बेटा आपको टेबल दिखा रहा हूँ, वो देखना ध्यान से, बेटा ये टेबल दिखा रहा हूँ, देखो पीपल एज रिसोर्स तरह किस तरह काम कर रहे हैं। 2013 में कितने हॉस्पिटल थे, 1,81,139 हॉस्पिटल्स, ठीक है, ईयर बाय ईयर क्या हॉस्पिटल्स का नंबर क्या होता गया, इंक्रीज होता गया, ठीक है। नेक्स्ट डिस्पेंसरी कितनी थी 2013 में, ठीक है, कितनी थी 29,274, और ये 70 में जाकर कितने हो गए 31,641, ठीक है। गवर्नमेंट बेड्स कितने, गवर्नमेंट बेड्स का मीनिंग हॉस्पिटल में जो बेड है कितने मरीज हो सकते थे, कितने 6,28,708, ठीक है, इतने थे। इसके बाद ये पॉइंट ऑफ पॉइंट 2017 में कहां तक पहुंच गया, 7,10,761 रजिस्टर्ड डॉक्टर इन मेडिकल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल होती है उनकी यूनियन होती है, उसमें कितने रजिस्टर्ड डॉक्टर थे उनके पास 17,982, ठीक है, उनका नंबर इंक्रीज हो गया 2017 में कितने हो गए 45,106, ठीक है। नर्सिंग इसी तरह है, नर्सिंग स्टाफ इंक्रीज किया, ठीक है। 2017 और 2018 में जो लिटरेसी इकोनॉमी का हेल्थ स्टेटस था 68.3%, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग क्या आता है कि जिंदा रहने की उम्र, अब एज बढ़ गई, क्यों, क्योंकि मान लो अगर सीधा कोई बीमार हो गया मर गया, उसे हॉस्पिटलिटी की मिली नहीं, फैसिलिटी नहीं मिली तो वो मर जाएगा। अगर हॉस्पिटल ज़्यादा है, नर्स ज़्यादा है, डॉक्टर ज़्यादा हुए तो उसके ठीक होने का भी चांस है, इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है, सॉरी डिक्रीज हो गया। क्या मीनिंग क्या आता है, एक साल का बच्चा, ठीक है, एक साल के अंडर ही उसकी क्या डेथ हो जाती, ठीक है। ये बेटा 8th मॉड्यूल में था, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, हमने पढ़ा था कोई भी पीपल पहले रिसोर्स के बारे में पढ़ा, कोई भी पीपल तभी रिसोर्स बन रहा सकता है किसी देश के लिए अगर उसकी एजुकेशन अच्छी हो और उसकी हेल्थ अच्छी हो, ठीक है। एजुकेशन के बारे में एक आपको 7th मॉड्यूल के बारे में समझा दिया, 8th मॉड्यूल में आपको मैंने इसके बारे में समझा दिया, हेल्थ के बारे में सारा का सारा क्या कर दिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है।